मोदी जी कहता है कि दिव्यांग दिव्यांग, मोदी जी तो यार जैसा काम कर रहा है कि अब छात्र लोग आओ मर जाएगा, जब जो जो छात्र तोड़ता है, रेलवे लहराता है, रेलवे लाइन तोड़ता है, गाड़ी लहराता है, तो उसका पास पैर लहराता है। अगर हमारा पास क्षमता रहता तो वो काम उससे ज़्यादा दुगना कर देते हैं। कोई भी विभाग हो, हम लोग को विभाग में ऐसी स्थिति आया है कि कहीं कुछ भी नहीं होता है ना। जो विभाग में हम लोग आवेदन करते हैं, ITI भी सरकारी से किए हैं, ITI भी पास हैं, सरकारी से हम किए थे, और उसके बाद में आवेदन भी करते रहते हैं, और वैकेंसी जो भी निकलता है उसमें भरते हैं, जाने के बाद फिर हम लोग को छाड़ दिया जाता है। सरकारी रेलवे में बोलता है तो रेलवे में भी नहीं है। रेलवे में हम कई स्टेशन पर खुद देखें नज़रों से, बहुत तजवीज़ के कहीं विकलांग का नज़र नहीं आता है, बढ़िया आती आदमी आता है। अरे भाई क्या हम लोग देश के आदमी नहीं हैं, गलत व्यवहार करते हैं। जब विकलांग हम विकलांग से व्यवहार करते हैं सरकार, तो समय आने पर आपको पता लग जाएगा। नहीं नहीं, विकलांग एक आदमी ऐसा नहीं है कि पैर विकलांग, तो पूरा शरीर विकलांग नहीं है। मेरा निकट के जिला है नालंदा जिला है, मेरा नवादा जिला है, जाते हैं राजगीर, कितना बार महीना में एक बार राजगीर जाते हैं। मैंने छोटा राजधानी तो बनाया मगर हम लोग काम लायक नहीं बनाया, अपने खाली शौक में घूरने के लिए जाते हैं। सोमवार का दिन है और मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाए हुए हैं, बहुत सारी फरियादी यहाँ पर आए हुए हैं अपनी फरियाद को लेकर के, बहुत सारे से हमने पहले बात भी किया है, लेकिन यहाँ पर जो है एक दिव्यांग बैठे हुए हैं जिनसे बात करने की प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार है। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या है हमारे पास, कोई भी विभाग हो, हम लोग को विभाग में ऐसी स्थिति आया है कि कहीं कुछ भी नहीं होता है ना। जो विभाग में हम लोग आवेदन करते हैं, करना क्या चाहते हैं? हम लोग करना चाहते थे कि हम लोग शिक्षक बनना के मतलब कि रोल नहीं था, अब देखें कि कहीं कोई जगह नहीं था, DLED कर ले, पर DLED में भी तो DLED या BLED जो भी होता है, शिक्षक बनना चाहते हैं। हाँ, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो शिक्षक बनना जब चाहते हैं तो भाई हम DLED में हम लोग के पास पैसा प्राइवेट से लगता है, तो हम लोग अपना पास संपत्ति नहीं है कि बेच के या कुछ भी कर सकते हैं हम बन जाए, नहीं मगर हम लोग के पास क्षमता नहीं है। हम एक दिव्यांग है, हम ग्रेजुएशन तक किए हुए हैं, ITI भी सरकारी से किए हुए हैं, ITI भी पास हैं, सरकारी से हम किए थे, और उसके बाद में आवेदन भी करते रहते हैं, और वैकेंसी जो भी निकलता है उसमें भरते हैं, जाने के बाद फिर हम लोग को छाड़ दिया जाता है। सरकारी सरकारी से छाड़ दिया जाता है। उम्र कितना होता है? उम्र मेरे में 27 हो गया है, 16/3/95 डेट ऑफ बर्थ है के। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, अगर आपको मौका मिला कि आप प्रधान मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से जो बात हम बोल रहे हैं, हम मुख्यमंत्री जी से ये कहें कि मुख्यमंत्री जी हम लोग को BED के एक तरह कहीं जगह दीजिए, हम लोग को फ्री सेवा में है। तो आरक्षण कुछ है? अगर आरक्षण के नाम है, काम नहीं है आरक्षण का। हाँ, नाम है, काम नहीं है। कि जो भी विकलांग हम देखते हैं हमारे साथ पढ़ा है लिखा है, सब लोग रोडे पर टहल रहा, किसी को भी किसी प्रकार का कोई नौकरी में कोई आरक्षण नहीं, नौकरी में कोई आरक्षण, नौकरी में जो हमारे सीट पर दूसरा कोई बढ़िया आदमी काम कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। रेलवे में बोलता है तो रेलवे में भी नहीं है। रेलवे में हम कई स्टेशन पर खुद देखें नज़रों से, बहुत तजवीज़ के कहीं विकलांग का नज़र नहीं आता है, बढ़िया आती आदमी आता है। अरे भाई क्या हम लोग देश के आदमी नहीं हैं, कि आप लोग देश के नेता नहीं हैं जो विकलांग के साथ गलत व्यवहार करते हैं। जब विकलांग हम विकलांग से व्यवहार करते हैं सरकार, तो समय आने पर आपको पता लग जाएगा। नहीं नहीं, विकलांग एक आदमी ऐसा नहीं है कि पैर विकलांग, तो पूरा शरीर विकलांग नहीं है। सारा आए कहाँ से? हम नवादा जिला से आए हैं। नवादा से? हाँ, सरकार को मैं ही कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं, नीतीश कुमार जी को कहते हैं, और विपक्ष के नेता है उसको भी कहते हैं कि हम लोग को सहमति कीजिए, सहमति कीजिएगा तो ठीक है, नहीं सहमति कीजिएगा तो आप लोग हमारा देश का नेता, हम लोग नहीं समझे कि हमारा देश का आप लोग नेता है, हमारा राज्य का नेता नहीं है। ऐसी स्थिति हम कैसे आए आप नवादा से? हम नवादा से आए, राजगीर से आए, इंटरसिटी पर गाड़ी लोड किए हैं, पटना उतरे हैं। गाड़ी आप खुद से इसको चढ़ाए? कैसे चढ़ाए? चढ़ा लिए हैं प्लेटफॉर्म पर, था तो खींच लिए, आगे से चक्का चढ़ गया। तो ट्राईसाइकिल जो आपके पास है वो आप खुद से खरीदे हैं या सरकार? ट्राईसाइकिल तो मिलता है, मिला है। हाँ, झूठ काहे बोलेंगे हम, बाकी नहीं मिलता है। ट्राईसाइकिल मिलता है, ट्राईसाइकिल मिलने के बाद आप कोई सेवा कुछ नहीं मिलता है, नहीं किसी प्रकार का कोई और कोई सुविधा नहीं, नहीं कोई प्रकार का आरक्षण। अच्छा, कहाँ तक बोले आप पढ़े हैं? ग्रेजुएशन तो किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, फिजिक्स ऑनर्स से। हाँ, वही नवादा से हम किए हैं, जो भी हम की नवादा से किए, हमारा जिला हम विकलांग आदमी है, दूसरा जिला हम कैसे जा सकते हैं? तो यहाँ पर आवेदन किए? यहाँ मुख्यमंत्री पास आवेदन किए थे हम, चार बार आवेदन, तीन बार किए थे, एक बार ऑनलाइन, हाँ चौथा बार मैं, तो फिर हम अपने नहीं जमा किए, लेकर चल गए घुरा के कि भाई हम लोग कोई फरियादा नहीं सुनाई देता है, तो हम काहे ले गया मुख्यमंत्री के, हमारे देश का, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लगता है कोई है ही नहीं, राष्ट्रपति शासन चल रहा है देश।
हम लगता है भैया मुख्यमंत्री हैं और हम क्या करें। जो भी विधायक के पास जाते हैं या डीएम के पास जाते हैं बोलते हैं, हम कई बार गए थे डीएम के पास, विधायक के पास, वहीं के नवादा, हाँ जहाँ मेरा निजी क्षेत्र है वहीं हम जाते हैं भाई, वहीं गए। तो डीएम साहब से बात बोला कि हम लोग के पावर नहीं है, हम लोग के पावर आता है तो करते हैं, मुख्यमंत्री जी पावर देगा हम लोग करेंगे काम। तो अभी जो आप आए हैं तो आज आप मिल पाएंगे उनसे क्या, मुख्यमंत्री जी से? नहीं, मुख्यमंत्री जी से तो नहीं मिल पाएंगे, वहाँ रोक दिया कि जिसको जिसको आवेदन अच्छी रहेगा ना उसी आदमी को मिलेगा भाई। तो आवेदन जिसको पैर भी होता है वो आदमी जाता है मुख्यमंत्री जी, इसमें भी पैर भी चलता है, सब कुछ में चलता है पैर भी। हम लोग सुनी कि हम लोग के पास कोई पैर भी नहीं, अगर किसी से पैर भी अगर हमको लगाना रहेगा कि मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो किससे लगाएंगे? अब किसी हमको हम तो नहीं कह सकते किससे लगा, पूछना चाहिए था ना। अब हम किसे पूछे भाई, किसे हम पूछे, ऐसा था ये, हम ऐसे क्या पूछे। हम तो सोचे कि आवेदन दिए इंसान, यहाँ आवेदन दिए इंसान, हम सोचे कि हम लोग को मिला लेगा मुख्यमंत्री जो है। मेरा निकट के जिला है नालंदा जिला है, मेरा नवादा जिला है, जाते हैं राजगीर, कितना बार महीना में एक बार राजगीर जाते हैं। मैंने छोटा राजधानी तो बनाया मगर हम लोग काम लायक नहीं बनाया, अपने खाली शौक में घूरने के लिए जाते हैं, जनता के लिए नहीं। तो आप फिलहाल क्या कर रहे हैं? हम फिलहाल इसी घूम रहे हैं, आओ कुछ नहीं करते हैं भाई, हम लोग के पास कोई तरह के मतलब कि कुछ है ही नहीं, हम लोग के ना सरकार से मान्यता मिलता है। तो कुछ ऐसे प्राइवेट पढ़ाने लिखाने का भी तो काम, प्राइवेट पढ़ाने लिखाने काम करेंगे भाई तो ठीक है, प्राइवेट पढ़ेंगे तो हम लोग के पास जगह रहेगा, उसको प्राइवेट पढ़ावेंगे, लास्ट में तो पढ़ाना है ये है ना, तो पढ़ावेंगे भाई तो कोई बढ़िया बढ़िया स्कूल में, उस हमने चल जाता है हम लोग के पास। आपके घर वाले क्या करते हैं? हमारा घर वाला किसान ही करते हैं, किसान, हाँ, और कुछ नहीं करते हैं, छोटा मोटा किसान, कोई बड़ा किसान नहीं है, हम लोग अरबपति आदमी नहीं, हम लोग एकदम निम्न परिवार। आज आप फिर यहाँ से चले जाइएगा? हाँ, चले जाएंगे भाई, हम लोग हम चले जाएंगे, और की करेंगे, कल एग्जाम है पाटलिपुत्र पीएम मॉल में देंगे एग्जाम, चल जाएंगे। एमटीएस का है, एमटीएस का भी एग्जाम, हाँ। ये सब सारे जो एग्जाम सरकारी जो है होता है प्रतियोगिता परीक्षा जिसको कहते हैं, तो सब में आरक्षण है? आरक्षण खाली मतलब कि सीट लिखा रहता है, और कहते हैं कि विकलांग का सीट है, सबको दिखा रहता है कि नहीं विकलांग का छूट है, घर वाला बाहर वाला सब अफसर भी कहते हैं विकलांग का छूट है, अब जाते हैं तो विकलांग वापस चलाते हैं जाते हैं, कहता है छूट के नाम पर हम लोग बहुत छूट के काम किए थे, बहुत मेहनत किए थे, जिस तरह से मेहनत किए उस तरह से हम लोग को नहीं सफल हुए ना, तो हम लोग ये एकदम मतलब कि हार चुके हैं, थक चुके हैं, जैसे सरकार अब सरकारी रहने लायक नहीं, वैसे हम लोग रहने लायक अब नहीं, हम लोग को बर्बाद कर दिए, ज़्यादा जा रहा किया है मैं बदनाम करके बर्बाद करके जा रहा है, जाइए जितना बर्बाद इस जन्म में बर्बाद किए मुख्यमंत्री जी, हम लोग कह रहे हैं अगला जन्म में और अपने कौन स्थिति में रहिएगा, कोई आपको पूछेगा नहीं, अभी जनता ने पूछता है, कुत्ता नहीं पूछेगा, समय आएगा तो। इतने नाराज, हाँ इतना नाराज है, मोदी जी कहता है कि दिव्यांग मोदी जी तो आओ जैसा काम कर रहा है कि अब छात्र लोग आओ मर जाएगा, जब जो जो छात्र तोड़ता है, रेलवे लहराता है, रेलवे लाइन तोड़ता है, गाड़ी लहराता है, तो उसका पास पैर लहराता है, अगर हमारा पास क्षमता रहता तो वो काम उससे ज़्यादा दुगना कर देते हैं। आपको लगता है कि गाड़ी लहराना अच्छा काम है? अंत समय में क्या करते हैं, अंत जब फांसी पर चढ़ना चाहते हैं उसी समय क्या कहते हैं, जो जाना चाहे रहना है, रह के की करेगा, हम लोग परेशान हो चुके हैं, सुने ना, हम लोग नहीं समझे, जो कहता कि सरकारी संपत्ति नहीं अपना निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति नहीं है, निजी संपत्ति रहता तो ऐसे बर्बाद करता है, ऐसे कहते सुनबे नहीं करता है, लास्ट में उग्रवादी करता है, समझता है जब डकैत को प्रशासन जेल में भेजते हैं क्या सुधार जाएगा, नहीं सुधारता तो लास्ट में गोली मारता है कि नहीं मारता है, आए तो वो उन्हें क्राइम हुआ उसी होना चाहिए। मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल कुमार जी से हमारी बात हो रही थी, दिव्यांग है और इतने परेशान है, सरकारी जो आरक्षण मिलता है और दिव्यांग को खास करके जो आरक्षण मिलते हैं उनको लेकर के इनकी बड़ी समस्या आ रही है कि सिर्फ नाम है आरक्षण का, आरक्षण उनको दिया नहीं जा रहा है, और अग्निवीर को लेकर के जो ट्रेनें वगैरह जलाई जा रही थी, और ये इतने ज़्यादा परेशान हैं कि ये उग्रवादी तक बनने के लिए तैयार है, लेकिन इनका कहना है कि मैं अभी दिव्यांग हूँ जिस वजह से मैं ट्रेनें नहीं जला पा रहा हूँ, अगर नहीं होता तो उनसे ज़्यादा जला देता। बहरहाल जनता जंक्शन देख रहे थे आप भी क्या इस मैटर पे क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।